पठान फिल्म विवाद को लेकर आज बजरंग दल भवानी मंडी द्वारा शहर के बालाजी चौराहे पर बजरंग दल कार्यकर्ता एकत्रित हुए तथा पठान मूवी का बायकॉट का संदेश देते हुए शाहरुख खान का पुतला फूंका। जिला मीडिया प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि बॉलीवुड के जरिए हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का निरंतर अपमान किया जा रहा है तथा पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण को कम से कम कपड़े पहनाकर, जिनका रंग भगवा है और बैशर्म रंग नामक एक गाना दर्शाया गया, जिसको लेकर संपूर्ण भारत में हिंदू समाज आक्रोशित है। इसी के चलते शाहरुख खान का पुतला दहन किया जा रहा। मौके पर जिला अध्यक्ष बालू सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह, समरस सिंह, बजरंग दल नगर संयोजक यादवेंद्र सिंह, नगर प्रमुख लक्की जायसवाल, पंकज, शुभम, ऋषभ, मानवेंद्र, राहुल, आशीष, पुनीत, चंद्रशेखर, देवांशु, राजेश आदि बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। सोलह से 17 दिसंबर 2022 को राजकीय बिड़ला महाविद्यालय में मतदाता सूची से नाम जुड़वाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता बीएलओ राकेश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक द्वारा छात्रों को मतदाता जागरूकता संबंधी नई वोटर आईडी बनवाने, वोटर आईडी में नाम हटवाने व संशोधन करवाने तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एनवीपीएस, वीएचएफ व जीएआरयूडीए ऐप की जानकारी विस्तार से दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को मतदान के संबंध में जागरूक करते हुए 17 वर्ष पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को वोटर आईडी बनवाने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर मनीष वर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र की महत्ता बताते हुए उनके मत का महत्व समझाया। कार्यक्रम का संचालन नेमीचंद मीणा, सहायक आचार्य EAFM ने किया, जिसमें ELC प्रभारी आयुष गुप्ता, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र राज बिहारी सोनी, सहायक आचार्य गणित व महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती। राजस्थान पेंशनर समाज भवानी मंडी के द्वारा राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर पेंशनर कर्मचारियों का स्वागत हुआ। पेंशनर समाज भवानी मंडी सचिव अशोक सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के अवसर पर राजस्थान पेंशनर समाज के संरक्षक डॉक्टर जेके अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हड्डी रोग विशेषज्ञ मेला ML आहूजा व अध्यक्षता गिरधर गोपाल शर्मा, अध्यक्ष पेंशनर समाज भवानी मंडी की मुख्य अतिथि के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने कहा कि यह पेंशनर समाज के कर्मचारी बंधुओं ने समाज राष्ट्र की सेवा की है, चाहे वह एक डॉक्टर के रूप में, अध्यापक के रूप में, चाहे वह कलेक्टर SP किसी भी रूप में सेवा कर राष्ट्र में अपना अहम योगदान दिया। जब हम राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो अपने आप को संभालो और जीवन भर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें एक नई ऊर्जा मिलती रहे। इस अवसर पर पेंशनर समाज के पूर्व अध्यक्ष इशाक खान, मोहम्मद सत्यनारायण तिवारी, गंगा स्वरूप द्विवेदी, प्रमोद शर्मा, रामपाल नामा, देवीलाल प्रजापत, नरेंद्र कुमार वर्मा, ब्रजमोहन श्रृंगी, अखलाक हुसैन, बालचंद सेन, पर्यावरण प्रेमी सुरेश ढाकड़, समाजसेवी पीरूलाल ठेकेदार, पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष फूलचंद वर्मा आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर जेके अरोड़ा व विशिष्ट अतिथि ML आहूजा को माला व शाल श्रीफल भेंट कर पेंशनर समाज के कर्मचारियों के द्वारा सम्मान दिया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश मेघ सेना के द्वारा भवानी मंडी नगर के रामटी के बाबा रामदेव मंदिर परिसर में सर्व मेघवन समाज के राज ऋषि भगवान मेघ की जयंती मनाई। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश में मेघ सेना प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मेघवाल, बहुजन समाज पार्टी के नेता डालूराम मेघवाल, वार्ड पार्षद राजेश मेघवाल, पीरूलाल ठेकेदार राजा राम मेघवाल, भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष पवन मेघवाल, सत्यनारायण मेघवाल, मुकेश मेघवाल, विशाल मेघवाल, गोपाल भेरूलाल मेघवाल, भेरूलाल आदि मेघवाल समाज के युवा उपस्थित रहे। मेघ सेना के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मेघवाल ने उपस्थित सभी समाज बंधुओं को मेघवाल समाज के इतिहास के बारे में बताया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। भवानी मंडी के सेठ आनंदीलाल पोद्दार हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया। प्रिंसिपल को दिए ज्ञापन में बताया कि स्कूल के कुछ टीचर्स द्वारा बच्चों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भेदभाव किया जाता है। वहीं बताया कि विद्यालय के अध्यापक मुरली मनोहर, मिथिलेश माथुरिया मैडम, राजेंद्र गुप्ता, लक्ष्मी चतुर्वेदी, महेंद्र मालव, रामगोपाल मीणा के द्वारा छात्र छात्राओं को धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उत्साया जाता है, जिसमें आपस में स्कूल में विद्यार्थियों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जब शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश मालवी को की जाती है तो वह भी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, उल्टा मुस्लिम समाज के लोगों को ही डराते धमकाते हैं। परिजन जब स्कूल जाते हैं, परिजनों के इन अध्यापकों को बुलाकर उल्टा बच्चों की गलती बताकर परिजनों को डराया धमकाया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चों के सही नंबर लाने हैं या नहीं, अगर सही नंबर लाने हैं तो हमारे ऊपर छोड़ दो, तथा भेदभाव पूर्वक काम किया जाता है, जिससे स्कूल का व गांव का माहौल खराब हो रहा है।
इस दौरान कई पार्षद भी स्कूल में मौजूद रहे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जब स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश मालवी से बात करना चाहिए तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हेलो जी, सेठ आनंदीलाल पोद्दार से प्रिंसिपल महोदय बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एसके मीडिया से बात कर रहा हूँ, पत्रकार कपिल चौहान। आज जो मामला जो सामने आया है कि कुछ स्कूली बच्चों और परिजनों द्वारा जो है कुछ आपके विद्यालय के टीचर्स पर अभद्रता और भेदभाव करने के आरोप लगे, क्या है पूरा मामला, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो आरोप तो कोई भी लगा सकता ना सर, आरोप जी हैं तो अब उसकी जांच की जाएगी। जी जी, जांच करने के बाद पता चलेगा। जी, आज मेरे संज्ञान में आया है ये मामला। आपके संज्ञान में पहली बार आया, इससे पहले भी कुछ शिकायतें मिली है? नहीं, इससे पहले कभी ऐसी इतनी शिकायत नहीं हुई है। जी, है ना, बच्चों को टोका जाता है। जी भाई, कटिंग अगर उनकी गलत है तो बोला जाता है, ड्रेस पहन के नहीं आता है तो बोला जाता है। जी, बाकी और तो ऐसी तो कोई कहीं ना कहीं नंबर कम करने की धमकियां और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की भी उसमें ज्ञापन में बताया गया है। आज बोला है तो इससे पहले मैं। जी, तो किस तरह से जांच करेंगे आप, जांच की क्या प्रोसेसिंग रहेगी, कोर कमेटी बनेगी क्या इसकी? प्रोसेसिंग जो, हाँ बिल्कुल, कमेटी तैयार होगी। आज शिकायत दर्ज हुई है, मैंने उच्च अधिकारी से बात कर ली है। जी, कह दिया है उनसे। जी, है ना, और मेरे पास एप्लीकेशन इन लोगों की आई है। जी, तो हम बिल्कुल नियमानुसार तरीके से, क्योंकि एक पक्ष को सुनकर तो अपन कोई बात नहीं कर सकते। जी जी, है ना, कि आपने कहा कि ये इसने मेरे को ऐसे बोल दिया। जी, उससे पूछा जाएगा, जिन भी लोगों की उन्होंने शिकायत दर्ज की है उनके जवाब लिए जाएंगे। जी, धन्यवाद सूरज जी इसके मीडिया से जुड़ने के लिए। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्पास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द